यशोधरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र की हद में एक अप्राकृतिक अत्याचार का मामला सामने आया है, जहां एक 12 वर्षीय नाबालिग पर एक 24 वर्षीय युवक ने अप्राकृतिक बलात्कार का प्रयास किया, जिससे पूरे क्षेत्र में असंतोष का माहौल है। दरअसल यशोधरा पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले बंदनवाज मैदान में एक 22 वर्षीय युवक ने 12 वर्षीय नाबालिग पर बलात्कार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित और अपराधी दोनों एक ही परिसर के रहवासी है, जिसके चलते एक नैसर्गिक परिचय दोनों के बीच था, लेकिन किसी भी प्रकार की घनिष्ठता दोनों के संबंध में नहीं थी। आरोपी नाबालिग को झांसा देकर बंदनवाज मैदान में लेकर गया और उस पर अप्राकृतिक रूप से बलात्कार करने का प्रयास किया, जिसके दौरान पीड़ित जोर जोर से चिल्ला उठा, जहां आरोपी ने पीड़ित को धमकी दी। लेकिन मामले का पता चलते ही स्थानिकों ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर 5 दिन की कस्टडी पर रखा गया है और मामले की अधिक जांच जारी है। पुलिस थाना यशोधरा नगर में 20 तारीख को एक अपराध रजिस्टर हो गया है। उसमें एक 22 साल के लड़के ने बंदे नवाज के जो खुला मैदान है वो मैदान की जगह पर एक छोटे 12 साल के लड़के के ऊपर अनैसर्गिक बलात्कार करने का प्रयास किया गया है। और कुछ जानकारी उसने दी वो छोटे लड़के ने, तो उसको मारने की भी उसने धमकी दी है। ऐसी एक अपराध रजिस्टर हो गया था, उस अपराध में उस आरोपी को अरेस्ट किया गया है, तो वो 5 दिन के पुलिस कस्टडी में है। अभी आगे के तपास शुरू है। जान पहचान नहीं है, लेकिन एक ही एरिया में रहने वाले ऐसे चेहरे से वो पहचानते हैं एक दूसरे का, और उसको बुला कर लेकर गया था वो गार्डन की तरफ, चलो घूम के आएंगे करके से बहाना बना के, और उसके साथ में अनैसर्गिक संभोग करने का उसने प्रयास किया गया है। तो लड़का चिल्लाने लग गया, तो लड़का चिल्लाने के बाद उसको धमकी दिया गई, ऐसे अपने पास में तकरार आई थी, उसके ऊपर तुरंत FIR रजिस्टर करके आरोपी को अरेस्ट किया गया और कोर्ट में पेश कर रहे हुए उसको 5 दिन का PCR लिया गया। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।